दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। दर्शकों, आज मैं मोक्षदा एकादशी के कुछ नियम बताने जा रहे हैं, जिन नियमों का अगर आपने ठीक से पालन किया तो आप निश्चय मानिए कि समस्त संसारिक मनोकामनाओं की अभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ मृत्यु के उपरांत आपको मोक्ष मिलेगा, आपको वैकुंठ धाम में वास मिलेगा। आइए दर्शकों, इस व्रत का जो नियम है वो नियम हम आज बताने वाले हैं। ध्यान से नियम को सुने और नियमों का पालन करें। दर्शकों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अगर हमारे बताए उपाय आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, कमेंट करें, लाइक करें। सर्वप्रथम आपको मोक्षदा एकादशी का मैं मुहूर्त बताने जा रहा हूं। मोक्षदा एकादशी पौष शुक्ल एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार 2023 का प्रारंभ मोक्षदा एकादशी से ही हो रहा है। 1 जनवरी सांध मेला 7:10 से मोक्षदा एकादशी प्रारंभ होकर 2 जनवरी 7:24 तक एकादशी तिथि है और मोक्षदा एकादशी का प्रारंभ 3 जनवरी सुबह 8 बजे के आसपास 3 जनवरी को होगा। दर्शकों, इस व्रत को करने का जो नियम है, उचित नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है। सर्वप्रथम आपको मैं नियम बताने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं कि मोक्षदा एकादशी को किस नियम से किया जाता है। इस व्रत के नियम एकादशी से एक शाम पहले से ही शुरू हो जाती है, यानी 10वीं तिथि से ही इसके नियम लागू हो जाते हैं, यानी 1 जनवरी से ही आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा और 3 जनवरी तक इन नियमों का पालन करना पड़ेगा 3 दिन तक। व्रत के नियमानुसार आपको इन 3 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। एकादशी से पहले यानी 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों में आपको जमीन पर ही शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखकर रात्रि जागरण करना चाहिए। इन 3 दिनों 10वीं, एकादशी और द्वादशी के दिन किसी भी इंसान के लिए बुरे विचार मन में नहीं लाइए और किसी भी इंसान की चुगली अथवा किसी से शत्रुता वाली वचन ना बोले। वचने का दरिद्रता मधुर मधुर वचन बोले। संपूर्ण व्रत निर्जला रखें और पारण से पहले किसी न किसी ब्राह्मण अथवा गरीब दंपति को भोजन जरूर कराएं, उसके बाद पारण करें। दर्शकों, इन नियमों का जो कोई भी पालन करता है उसे इस संसार की समस्त सांसारिक अभिलाषाएं पूर्ण होते हुए मृत्योपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। अब आपको आगे मैं ये बता दूं कि यह व्रत करते कैसे हैं, व्रत का नियम क्या है। व्रत का नियम यह है कि आप सुबह शाम को जो भी भोजन करते हैं शुद्ध सात्विक भोजन करें, और सात्विक भोजन का मतलब उसमें लहसुन प्याज इत्यादि का भी जिक्र नहीं हो, एकदम शुद्ध वैष्णव भोजन आप शाम को ग्रहण करें। सुबह उठने के बाद आप न पानी पिएंगे, न भोजन करेंगे, सीधे ब्रश करके स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद शालिग्राम भगवान की सेवा करेंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, केसर युक्त दूध से स्नान कराएंगे, गंगाजल से स्नान कराएंगे, जो भी आपको स्नान ध्यान कराना है बढ़िया से स्नान कराकर धूप अगरबत्ती दिखाते हुए, दीपक दिखाते हुए, आप पीले रंग के पुष्प
उनको चढ़ाए और उसी व्रत के दौरान, उसी पूजा के दौरान आप यह संकल्प लें कि आज पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास के साथ हम नारायण की शरण में निर्जला एकादशी व्रत का पालन करेंगे और सुबह किसी ब्राह्मण दंपति अथवा किसी गरीब दंपति को भोजन कराने के बाद ही हम पारण करेंगे। उसके बाद 24 घंटे तक आप नारायण की सेवा में लगे रहें, ओम नमो नारायणाय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप पूरे दिन और पूरा रात को बिताएं। ज्यादा बाहर ना जाए, किसी से कम बातचीत करें, क्योंकि दुनिया के लोग आपको फरेब में डालेंगे और आपको किसी फरेब में नहीं आने का है। अगर मोक्ष चाहिए तो दुनिया से आपको इसी संसार में मोक्ष पहले प्राप्त करना पड़ेगा। किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं, किसी का हम बिगाड़ेंगे नहीं, बना सकते हैं तो बनाएंगे। इस संकल्प के साथ आप इस व्रत को 2 जनवरी को इन नियमों का पालन करके देखें, आपको हम 100% गारंटी देते हैं अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण।